जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो कॉरल में ट्रांसपेरेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट टूल। किस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल है। अच्छा, अभी ये स्टार्ट करते हैं। मुझे ज़रा ना ज़रा आप कंफर्म कर दो, मिस अतीका, आपकी इलस्ट्रेटर हो गया, कॉरल इंशाल्लाह ख़त्म होने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपका फोटोशॉप रहता है, यस नो? जी मिस अतीका और शुमाइला, आपका भी यही है, सेम फोटोशॉप? फोटोशॉप इंशाल्लाह आफ्टर ईद है। अच्छा आयशा, आयशा आप भी सेम, आपका सिनारियो है इलस्ट्रेटर कॉरल नेक्स्ट फोटोशॉप, ठीक है? सबका ऐसा ही है, नेक्स्ट फोटोशॉप है, ठीक है, गुड। हमारे तकरीबन 99% स्टूडेंट्स का नेक्स्ट फोटोशॉप जो है वो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होगा 15 अप्रैल को। ईद हॉलीडेज आ रही हैं, ये वीक जो है आपका अप्रैल का, ये फ्राइडे तक इंशाल्लाह हमारी ईद हॉलीडेज खत्म हो जाएंगी, तो 15 को हमारी नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट होगा, ठीक है? न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी और आप लोगों के लिए भी 15 अप्रैल को आपका नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। तो 15 अप्रैल को इंशाल्लाह आपका हम स्टार्ट करके और ये मई फर्स्ट वीक तक आपका क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट्स का जो ये कोर्स। आपकी तीन मेजर इसमें सॉफ्टवेयर, थर्ड वन इज फोटोशॉप। अच्छा, ये तो इंशाल्लाह जब 15 को स्टार्ट करेंगे, आज हम लोगों ने क्या करना है? आज हम लोगों ने एक्सप्लोर करना टूल, टूल का नाम है ट्रांसपेरेंसी टूल। और ट्रांसपेरेंसी टूल आप अपने सिलेक्टेड कोई इमेज है, कोई शेप है, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इसके इनसाइड, ट्रांसपेरेंसी के इनसाइड आपके पास ये डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी की ये टूल के इनसाइड ये इसके ऑप्शंस मौजूद होती हैं। ये नन से लेके, सॉलिड से लेके, फाउंटेन, वेक्टर, बिट मैप वगैरह, और इसी तरह ये लीनियर, रेडियल, एंगुलर, ये सारे के आप सारी ऑप्शंस हैं। इनको आज डिटेल में एक्सप्लोर कर लेते हैं। और ये टू कलर पैटर्न टेक्सचर है जो आपका ट्रांसपेरेंसी में अप्लाई होगा, बिट मैप भी हो सकता है, वेक्टर पैटर्न भी हो सकता है, फाउंटेन, यूनिफॉर्म वगैरह, ये फाइव इसकी टाइप्स है ट्रांसपेरेंसी की हमारी लिस्ट में अवेलेबल है। इनको वन बाय वन देखने के लिए इसको प्रैक्टिकली हम कॉरल ड्रॉ में ट्रांसपेरेंसी टूल, ये हमारा जी आज का। ये जी टूल का नाम है, दिस इज अ टूल, टूल नेम इज ट्रांसपेरेंसी टूल। और ये हमें रिक्वायर्ड होता है जब कभी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह के रिक्वायर्ड हैं, इसके अंदर आपने ट्रांसपेरेंट फेल को यूज करते हुए अटेम्प्ट करना है। तो ये मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन इसकी टाइप्स को दिखा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ कि क्या है टाइप्स और किस तरह इसमें वर्क करते हैं। कभी अगर आपको पेज के ऊपर ऐसी ग्राफिक्स करनी हो जिसमें हमें इस टूल को यूज करना है, दिस टूल नेम इज पार्शली रिवील इमेज एरिया अंडरनीथ द ऑब्जेक्ट, अंडरनीथ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? एक काम करते हैं, यहां पे हम ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे पास चार रेक्टेंगल मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिए हैं, और एक इमेज को विजिबल कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं कि इमेज को जो बैकग्राउंड में रख लेते हैं, और इसमें अटेम्प्ट करके देखते हैं कि क्या करता है।
ट्रांसपेरेंसी टूल। इसको प्लेस कर लेते हैं बिहाइंड। फिलिंग आप जो भी करना चाहो इन ऑब्जेक्ट्स की कर लो। ये बैकग्राउंड में कुछ इमेजेस हैं, ऑब्वियसली इसको ड्रैग करके ड्रॉप करना पड़ेगा टू प्लेस। और फिर ये अच्छा, इसमें आपने ट्रांसपेरेंसी भी जैसे आप क्लिक करते हो आफ्टर सिलेक्टिंग योर ऑब्जेक्ट, सबको करना है सबको कर लो, किसी एक को करना है किसी एक को कर लो, ये आपकी मर्जी है, सबको करना है सबको कर लो। और इसको ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो तो ये आप क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे ये आपके पास बाय डिफॉल्ट नो ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन ये आपकी ऑन होती है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है जो इसके बीनीथ ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे जो भी पड़ा हुआ है, चाहे टेक्स्ट है चाहे कोई इमेज है एनीथिंग, वो ट्रांसपेरेंट होगा। क्या ट्रांसपेरेंट जो यूनिफॉर्म करना है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ये है जी पहली ऑप्शन। यूनिफॉर्म अप्लाई ए रेगुलर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसपेरेंसी, इस पर जैसे क्लिक करोगे ये आपका बिलो ऑब्जेक्ट इक्वल ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। देख रहे हो जो भी ऑब्जेक्ट की आपका करंट शेप है उसके बिलो ये ट्रांसपेरेंसी आपको विजिबिलिटी उसकी दिखाई दे रही है। अब ये कितनी होती है, ये 50% होती है, ये है जी वो 50% ये वैल्यू। पर अगर आप समझते हो कि वैल्यू ज्यादा करनी है कम करनी है तो इसको यहां से स्लाइडर के थ्रू आप आगे पीछे कर सकते हो लाइक दिस। ये लो ट्रांसपेरेंसी की तरफ मैं लेके जा रहा हूं, तो ये लो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है जो उसके बिलो ऑब्जेक्ट्स हैं वो विजिबिलिटी उसकी नहीं हो रही, यहां तक कि जीरो पे बिल्कुल ही नहीं होगी। ठीक है, अगर आप जीरो कर दोगे ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ही इसकी ऑफ हो गई, तो इसके बीनीथ जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो विजिबल नहीं हो रहे। तो ट्रांसपेरेंसी आपकी बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट्स 50% होती है, लेकिन इसको अगर 100% की तरफ लेके जाओगे तो आपकी विजिबिलिटी क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। ये देखो आपके ऑब्जेक्ट हालांकि पड़े हुए हैं लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी आपने वैल्यू बहुत हाई कर दी है, ट्रांसपेरेंट हो गया है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट भी जैसा ग्लास नहीं होता, ग्लास ये समझ लो ग्लास फ्रंट पे रखा हुआ है और उसको कितना आपने ट्रांसपेरेंट करना है, ये हाई की तरफ ले जाओ या नहीं करना लो की तरफ ले जाओ, तो ये आप यहां से ट्रांसपेरेंट इसको कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये यहां से आप कर सकते हो स्लाइडर के थ्रू। दूसरी बात, यहां पे आपके पास ऑप्शन होती है कि अगर आप चाहो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस आप इसके साथ वाले बटन को यूज कर लो। ये ट्रांसपेरेंसी पिकर के नाम से होता है, ये प्रीसेट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के साथ। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन, जब आप क्लिक करोगे ये ब्लैक आपको दिखा रहा है, ब्लैक का मतलब नथिंग, कुछ नहीं शो होगा ट्रांसपेरेंसी। ये देखो साथ वाले बॉक्स में कितनी होने लगी है, 5। ठीक है, और जैसे जैसे आप इसको राइट साइड में मूव करते हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन जाते हो ट्रांसपेरेंट हुए जा रहा है, ट्रांसपेरेंट आपका मोर ट्रांसपेरेंट ये किए जा रहा है, तो आपके बिलो ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस यहाँ पे विजिबल होनी शुरू हो गई है। और ये जैसे जैसे आप मूव करते हो फ्रॉम ब्लैक टू ग्रे शेड ये ट्रांसपेरेंट कर देगा। ये देख रहे हो आपके ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हुए जा रहे हैं जो उसके बिलो पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब चाहे यहां से स्लाइडर के थ्रू कर लो चाहे ये आप इस बटन के थ्रू इन ऑप्शन की तरफ चले जाओ। और इसमें अगर आप ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो तो ये वाइट की तरफ आ जाओ, नहीं करना चाह रहे तो ब्लैक की तरफ चले जाओ। ये वाइट है, एवरीथिंग इज विजिबल, बहुत लाइट सा शेड नजर आ रहा है रेक्टेंगल्स का। ठीक है, इसका मतलब अगर ब्लैक कर दोगे तो नथिंग, ये आ रहा है बिल्कुल ही 5% है, बिलो आपको लाइट सा इमेज की प्रेजेंस नजर आ रही है क्योंकि 5 है ना ये, इसको मजीद करना हो तो 0 की तरफ लेके जा सकते हो। ये है जी आपका ट्रांसपेरेंसी में यूनिफॉर्म के साथ कुछ सेटिंग्स। अब मैं आपको इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूं।
ये जो आपको मैंने अभी बताया है, ये कि आपने इसको जितना ट्रांसपेरेंट करना है आप कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं। इसके साथ ये तीन बटन्स का रोल क्या है, ये वाले तीन बटन्स। फर्स्ट बटन इज ऑल। ऑल का मतलब है कि अगर इसकी इसकी बाउंड्री होती, आउटलाइन होती, आउटलाइन है इसकी तमाम की, लेकिन बहुत ही थिन सी है। ये देखो आउटलाइन इसकी आपको नजर आ रही है, ये आउटलाइन को जरा मैं बिग कर देता हूं साइज में। ये देखो अब आपको आउटलाइन भी वाजे नजर आ रही है, ये ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट में आउटलाइन भी वाजे नजर आ रही है। और अगर आप आउटलाइन को यहां पे इस ऑप्शन की वजह से, चाहे आउटलाइन हो चाहे फिल हो, दो होते हैं ना हिस्से आपके, एक आउटलाइन होती है एक फिल होती है, तो आउटलाइन आपकी वो भी 50% या 40% ट्रांसपेरेंट है, एज वेल एज फिल भी। अब आप एक को करना चाह रहे हो एक को नहीं करना चाह रहे, तो ये बराबर में ऑप्शन है, ये फिल के लिए सिर्फ अप्लाई होगा 40। ये देखो चेक करो फिल में फ्रेम के अंदर, ये आपको विजिबिलिटी 40% ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी अप्लाइज टू योर होल ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड योर आउटलाइन और ओनली ऑन योर फिल। अप्लाई दी ट्रांसपेरेंसी ओनली टू द ऑब्जेक्ट फिल। और अगर इसके बराबर में देखो कि आप फिल के ऊपर नहीं करना चाह रहे ट्रांसपेरेंसी, आप इसको करना चाह रहे हो ऑन योर आउटलाइन, आउटलाइन को भी कर सकते हो। ये देखो आउटलाइन ट्रांसपेरेंट हो गया, चेक कर लो। फिलिंग ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई, आउटलाइन में ट्रांसपेरेंसी विजिबल हो गई, ठीक है। और ये आउटलाइन आपको पता सेंटर हुई भी अलाइनमेंट, आउट भी कर सकते हो, आउटसाइड भी कर सकते हो, इनसाइड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी होती है ना। तो ये आप यहां से इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप अप्लाई कर सकते हो ऑन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आउटलाइन एज वेल एज इट्स फिल। तो ये अवेलेबल है अंडर ट्रांसपेरेंसी टूल, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन में आपको इसकी कनेक्टेड सारी सब ऑप्शन को डिस्कस हम कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी में ये आपकी परसेंटेज यहां से भी कर लो, यहां से को ले की बात, ये होल ऑब्जेक्ट पे इंक्लूडेड योर आउटलाइन, ये सिर्फ फिल के ऊपर, ये सिर्फ आउटलाइन के ऊपर, ठीक है। फिल ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है। अच्छा अब अगली बात, ये आपने ट्रांसपेरेंट किया हुआ ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकते थे, इनको भी ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। ये लीजिए फर्स्ट ऑप्शन यूनिफॉर्म, और ये देखो ये ट्रांसफॉर्म, ये इसने ट्रांसपेरेंसी इस पे अटेम्प्ट कर ली है। अच्छा अब अगर मैं आपको ये कहूं ये जो ट्रांसपेरेंसी है इंडिविजुअल भी कंट्रोल की जा सकती है, सिंगल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, यहां से ट्रांसपेरेंसी फाइल हो कर दो, ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी है, क्लिक कर लो, हाई लो कर लो, क्लिक कर लो, हाई लो कर लो, क्लिक करके ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा जिसकी जो करनी हो उतनी कर ली जाए। डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है, एक जैसी भी ट्रांसपेरेंसी आप कर सकते हो। अच्छा अगली बात, बाकी ऑप्शन डिस्कस करते हैं। बाकी ऑप्शन में ये है कि जब आपने अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर ली, ठीक है, करने के बाद ट्रांसपेरेंसी टूल पे ये आपके पास ऑप्शन होती है फ्रीज ट्रांसपेरेंसी, नेक्स्ट ऑप्शन इज फ्रीज ट्रांसपेरेंसी। अगर इस बटन पे आप क्लिक कर दो ऐसे, ये फ्रीज का आपका ऑन हो गया, मूव करते हैं इनको।
ये देख रहे हो, इसने पिक कर लिया, बिलो ऑब्जेक्ट को अपने कंटेनर में पिक कर लिया। दोबारा से देखो, ये ऑब्जेक्ट आपने तीनों को सिलेक्ट किया, ट्रांसपेरेंसी डिफरेंट डिफरेंट लेवल की है या एक जैसी है, आपकी मर्जी है। यहां पे फ्रीज का मतलब क्या होता है कि अंडरनीथ ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर लेता है, अंडरनीथ ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर देता है, जो भी इसके नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको फ्रीज कर देता है, उसके कंटेनर के अंदर उसके पिक कर लेता है, लाइक दिस। ये देखो फ्रीज क्या करता है, फ्रीज द करंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू द ट्रांसपेरेंसी सो दैट द व्यू डज नॉट चेंज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड। ये जैसे क्लिक किया, चेक कर लो, मूव करो पिक करके, ये देखो। करता क्या है, फ्रीज कर देता है। ट्रांसपेरेंसी और इसमें इसको फ्रीज करने के लिए आप इसे यूज करते हो। इसको थोड़ा सा मैं ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू, ये डिफरेंट डिफरेंट और इधर भी इसकी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और ये करने के बाद अगर इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसपेरेंसी में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, नॉट योर बिलो इमेज, तो करंट कंटेनर में शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट पैनल में भी जाके कर सकते हो, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखो ये साइड वाले पैनल में ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुके हैं, ट्रांसपेरेंसी में जाओ और इसको फ्रीज करवा दो। फ्रीज जैसे कर दिया, अब आप इसको मूव कर दो। ये देख रहे हो इन ऑब्जेक्ट्स में जो जो पार्ट था अंडर दिस वो फ्रीज हो गया, ठीक है। ये एक ऑप्शन है जो कैप्चर कर लेता है बिलो जो भी आपका सब्जेक्ट पड़ा हुआ है या शेप पड़ी हुई है या टेक्स्ट पड़ा हुआ है, उसको कैप्चर कर लेता है। ट्रांसपेरेंसी जिस पे अटेम्प्ट की होती है उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो लाइक दिस, दोबारा से देख लो, अगर ये ऑब्जेक्ट है, एक शेप है जिसके ऊपर आपने कलर वलर सेट कर दिया है और इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया लाइक दिस यूनिफॉर्म, ठीक है, और इसको अगर आप कैप्चर करना चाह रहे हो फ्रीज कर दो। ये फ्रीज करने के बाद इसको मूव कर दो, ये लो। तो इसने उस ऑब्जेक्ट के अंडरनीथ जो भी शेप का पार्ट था, एक इमेज था, दो था, 10 थे, जितने भी थे, उसको कैप्चर कर लिया। दिस इज ए वे हाउ टू यूज फ्रीज। समझ आ रही है यहां तक? ओके है। अब मैं आपको अगला पार्ट इसका, उम्मीद है आपको ट्रांसपेरेंसी टूल की समझ आनी शुरू हो गई होगी। ये ट्रांसपेरेंसी के अभी मैं यूनिफॉर्म की सेटिंग के साथ ये सारे को डिस्कस कर रहा हूं, अब मजीद इसको एक्सप्लेन करता हूं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मतलब आप यहाँ पे पेन टूल से बना सकते हो, ऑब्जेक्ट है ना, पेन टूल से भी तो बन सकता है लाइक दिस। ये देखो ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। इसके अंदर फिल करनी है, फिल कर लो जो कलर आपको चाहिए। कलर के करने के बाद इसकी आउटलाइन जो देनी है वो आउटलाइन दे दो। ट्रांसपेरेंसी, ये टूल, यूनिफॉर्म, ये हो गया जी, ठीक है। इसको मजीद कम ज्यादा जो भी करना है, और ये वैल्यूज मैंने आपको बता दी हैं, और ये है फ्रीज, और ये इसने ऑब्जेक्ट के इनसाइड कैप्चर करके दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंसी में यूनिफॉर्म सेटिंग के साथ। अच्छा, अब मैं आपको ट्रांसपेरेंसी के अंदर रिमेनिंग ऑप्शन की तरफ लेके जा रहा हूं, जो कि ये मौजूद है, कॉपी ट्रांसपेरेंसी है और एक आपके पास एडिट ट्रांसपेरेंसी है। ये दो बटन सिर्फ रह गए, और एक जो चीज इसमें रहती है वो है ये आपके कुछ मर्ज मॉड है, मर्ज मॉड्स, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी आपका टूल जो है वो सेकंड थर्ड ऑप्शन की तरफ हम आपको लेके जाए, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, मिसाल के तौर पे
आपके पास इमेजेस हैं कुछ? ये हमारे पास एक शेप है, इसके अंदर कलर हम रख देते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी पे अगर आप क्लिक करो और यूनिफॉर्म पे जाओ तो ये नॉर्मल मोड है, ये आपको दिख रहा होगा नॉर्मल मोड। मर्ज चूज हाउ द कलर ऑफ द ट्रांसपेरेंसी ब्लेंड विद द कलर ऑफ द अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट। अंडरलाइन ऑब्जेक्ट समझते हो, ये आपके पास चार इमेजेस हैं ना, इनके अपने भी तो है ना कलर्स फ्रेम के अंदर, ठीक है? तो ये किस तरह मर्ज होगा? नॉर्मल वे में तो ये दिखता है, अगर आप इसमें इसको ऐड कर दो तो उसी के अंदर ये मर्ज हो जाता है कलर वाइज। सब्ट्रैक्ट कर दो तो इसको रिवर्स कर देता है। ये याद रखना रेड है इसका रेक्टेंगल का फिल, ठीक है? डिफरेंस है, ये देख रहे हो, ये डिफरेंस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई मजीद इसको प्रोमिनेंट कर देगा अंडरलाइन जो ऑब्जेक्ट के पिक्सल्स हैं उसके साथ। डिवाइड ये व्यू इसका इस तरह का जनरेट कर देता है। इफ लाइटर तो क्या करें, ठीक है? अगर लाइटर है तो क्या करें, और अगर नीचे वाला डार्कर है तो क्या करें? हर इमेज को टेक्सचरिंग टेक्सचराइज, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर, रेड प्रोमिनेंट हो गया कलर, ये ह्यू ह्यू देखो मर्ज कर रहा है बिलो जितने भी आपके इमेजेस के अंदर कलर्स हैं, रेड के साथ ये ब्लेंड हो रहे हैं, सेचुरेट कर रहा है उनको, लाइटनेस दे रहा है, ब्राइट कर रहा है उसको, इन्वर्ट कर रहा है कलर्स को बिलो ऑब्जेक्ट के साथ। लॉजिकल एंड है, ये लॉजिकल और है, ये कुछ कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, तो ये उस हवाले से आपको बिहाइंड स्क्रीन ओवरले हार्ड लाइट कलर डॉज रेड, तो ये इस तरह आपका ब्लेंड करता है, ये देख रहे हो, ये ब्लेंड करके बिलो जो आपके इमेजेस हैं उसके साथ ब्लेंड करके आपको यहाँ पे उसकी विजिबिलिटी शो कर रहा है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि इमेज के साथ ही आपने इसको करना है या शेप के साथ ही आपने इमेजेस को करना है, इसके ऊपर आपकी कोई इमेज के ऊपर इमेज भी हो सकता है। बालकत आपको ऐसी बैकग्राउंड चाहिए होती हैं जो थोड़ी सी आपको लाइट करनी होती है या ब्लर करनी होती है, जैसे ये एक शेप थी ना, शेप को कर देते हैं साइड पे। अगर मैं आपको भी ये कहूं कि मैंने इन सब को करना है, ठीक है, इन सब को करना है यहां पे जाके यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मैंने कर दिया, एक जैसा कर दिया। अब इसके ऊपर आप अपने टेक्स्ट को प्लेस कर लो, कोई इमेजेस रखने हैं वो रख दो, कोई मॉडल को प्लेस करना है वो कर दो, लाइक दिस कुछ भी हो सकता है ना, एनीथिंग। तो ये ट्रांसपेरेंसी आपको अलाउ करती है कि कभी आप अगर चाहो तो अपने जो करंट अब इसमें कुछ भी हो सकता है, फोरग्राउंड के ऊपर आप जो भी रखना चाहो आप उसको प्लेस कर लो, लाइक दिस। ठीक है ना, ये बैकग्राउंड में ये आपके पास इमेजेस हैं और फ्रंट पे आपका कोई भी इमेज मॉडल को प्लेस करके यहाँ पे आप जो भी कवर पेज टाइटल देना है ये यहाँ पे आप प्रोमिनेंट कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। फॉन्ट जो आपने अप्लाई करने हैं, फॉन्ट आप यहाँ से अच्छा सा सेट कर लेंगे। साइज यहाँ से आप कर लीजिएगा, तो ट्रांसपेरेंट आपको अलाउ करता है कि अगर आप कुछ इमेजेस को शेप्स को
टेक्स्ट को भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, लाइक आई वॉन्ट टू ट्रांसपेरेंट दिस टाइटल, कि टाइटल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस टाइटल को आपने कंट्रोल के साथ मैं डाउन करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, ये देखो ये आपका टाइटल हो गया। इसको भी ट्रांसपेरेंट करना हो यहां से कर लीजिएगा, यूनिफॉर्म करना है ये यूनिफॉर्म कर लो, ये देख रहे हो ये ट्रांसपेरेंट कर दिया गया। मजीद इसको कम ज्यादा करना वो यहां से कर लेना ऐसे, तो बाद का तो आपको जरूरत पड़ जाती है। और इसका कलर अगर चेंज करना है तो ये आपको पैलेट नजर आ रही है राइट साइड पे, यहां से इसका कलर आप चेंज कर लीजिएगा। ये मैंने रेड कर दिया है, ठीक है, ये रेड मैंने कर दिया है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी वैल्यू को अब अगर आप करोगे जीरो की तरफ तो ये रेड प्रॉपर नजर आएगा आपको, ऐसे आप 50% आमतौर पे होता है। तो इस तरह आप अपनी करंट इमेजेस को करना चाहो इमेजेस को कर लो, आपने बैकग्राउंड को करना है बैकग्राउंड को कर लो, टाइटल्स को करना है टाइटल्स को कर लो, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी आपको अलाउ करता है कि कभी आप ऐसे पेजेस बनाना चाहो जिसमें टेक्स्ट के ऊपर इमेजेस के ऊपर शेप्स के ऊपर आप ट्रांसपेरेंसी की लुक देना चाहो तो ये एक अच्छी ऑप्शन होती है। अगर आप इसको दिखाना चाहो इस तरह दिखा सकते हो, ठीक है, और ये आपकी डिफरेंट मल्टीप्लाई कर दोगे तो बिलो पिक्सल्स के साथ ये मर्ज करता है, बिलो पिक्सल्स के साथ, ठीक है, नॉर्मल व्यू है और ये आपके पास ट्रांसपेरेंसी में यूनिफॉर्म की ऑप्शन ये काम करती है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास सेकंड ऑप्शन वो फाउंटेन फिल होती है। फाउंटेन फिल यूनिफॉर्म हमने देख लिया, अब इसकी एक और टाइप डिस्कस करते हैं, फाउंटेन। फाउंटेन फिल भी आपको कोरल में ट्रांसपेरेंसी में फाउंटेन फिल टाइप आपको कभी आप बैकग्राउंड कोई आपने ये देखो इसके अंदर फिल कर देता हूं, ये रेड शेड मैंने दे दिया, ठीक है, और यहां पे जाके ट्रांसपेरेंसी में मैं क्लिक करके सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाता हूं, फाउंटेन। ये अप्लाई करते हैं ग्रेडियंट ऑफ वेरिंग ओपेसिटी, क्लिक कर दो, ये इस तरह की ग्राउंड्स आपको दिखाता है, ठीक है। इसमें दो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, एक में ब्लैक नजर आ रहा होगा एक में व्हाइट नजर आ रहा होगा, दरमियान में एक हैंडल भी नजर आ रहा है। ये असल में आपके जो ब्लू था उसका शेड को यहां पे ट्रांसपेरेंट कर दिया, इधर से लेफ्ट साइड से ट्रांसपेरेंट कर दिया, राइट साइड से ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। अगर इसके बिलो कुछ होता तो आपको दिखाई भी देता। इसके लिए एक काम करते हैं, इसके बिलो कुछ ऑब्जेक्ट प्लेस कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे कि बिलो ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि नहीं। ये बैकग्राउंड है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाते हैं, इसको बिलो रख देते हैं हम ले जी। अगर आप स्टूडेंट्स इसमें गौर करो तो लेफ्ट साइड से ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी ज्यादा है, राइट साइड से कम है। एक काम करते हैं इसका शेड चेंज कर देते हैं, ब्लू की बजाय रेड कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड से विजिबल है ट्रांसपेरेंट है, राइट साइड से ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसको आपने इसके थ्रू कंट्रोल करना है। फाउंटेन यूनिफॉर्म में इक्वली करता है, ठीक है, पूरे ऑब्जेक्ट के जो बिलो होता है उसको ट्रांसपेरेंट करना है नहीं करना वो कर सकते, इसमें यूनिफॉर्म नहीं है, ये फाउंटेन है। फाउंटेन में ये यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, जो ब्लैक स्पॉट है वो आपका ट्रांसपेरेंट है, व्हाइट स्पॉट ट्रांसपेरेंट नहीं है, रेड है ना बॉक्स, तो रेड बॉक्स ट्रांसपेरेंट कहां पे है, जहां पे व्हाइट है, और जहां पे नहीं है ब्लैक तो वहां पे ट्रांसपेरेंस आपको प्योरिटी नजर आ रही है, बिलो ऑब्जेक्ट विजिबल नजर आ रहा है।
और अगर आपको कहा जाए कि इसको क्या हम कर सकते हैं एडिट, अच्छा ये जितनी मैंने ऑप्शन आपको करवा रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, ये एडिट यहाँ से कर सकते हैं, एडिट ट्रांसपेरेंसी में जाके ये एक बॉक्स आ गया। इसको अगर आप सामने रख लो, आप देखिएगा, ट्रांसपेरेंसी एडिट बॉक्स, यहां से इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये देखो जो आप बाहर से कर रहे हो ना, ये ऑप्शंस को यूज करते हो, यहां से भी कर सकते हो। दिस इज नन, नो ट्रांसपेरेंसी, दिस इज यूनिफॉर्म, जिसमें ये सारी सेटिंग वही है जो मैंने बाहर दिखाई थी। दिस इज फाउंटेन, फाउंटेन में आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल हैं ऑप्शंस। ये इसे बोलते हैं लीनियर फाउंटेन, ये लीनियर का मतलब है लेफ्ट से राइट की तरफ लीनियर वे, ये रेडियल है सेंटर में, यहां से भी कर सकते हो। ये देखो सेंटर में आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अराउंड में है, ठीक है। ये आपके पास आ गया जी थर्ड ऑप्शन एंगुलर, ये आपका रेक्टेंगुलर, ये आपका कॉनिकल और ये रेक्टेंगुलर। अब आप किस तरह दिखाना चाह रहे हो, ये देख रहे हो फ्रेम में सैंपल बॉक्स में जो एरिया ब्लैक है वो नहीं दिख रहा, जो ग्रे है डॉट्स वाला वो दिख रहा है, ठीक है। इसको आप लीनियर कर लो, ठीक है, लीनियर का मतलब वन साइड से आएगा, ठीक है। और अगर आप डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंसी जो होती है इसको आप यहां से चेंज भी कर सकते हो, लाइक दिस रिपीट एंड मिरर, ये वाली ऑप्शन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ये वाली भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपने इनमें से कौन सी ऑप्शन के साथ टाइप में गए हो। ये दे दो, ये देख रहे हो अराउंड, ये लो, ये सेंटर वाली के साथ मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं, ये ले लो। एक ये भी है रिपीट लीनियर रेडियल, ये देख रहे हो इसकी विजिबिलिटी, इस ऑप्शन का नाम कॉनिकल है और ये आपके पास रिपीट है, रिपीट द फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। अच्छा इसको लीनियर हो रेडियल हो कॉनिकल हो रेक्टेंगुलर हो, अरेंजमेंट के साथ आपने जाना है, इसको रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, यहां से आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसको यहां से भी कंट्रोल करना चाहो, यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखो व्हाइट वाला और ये ब्लैक, रिवर्स कर दूं, ये लो, ये देख रहे हो ब्लैक इधर आ गया व्हाइट इधर आ गया, ये देखो रिवर्स हो रहा है, यहां से कर लो या यहां से कर लो, यहां से भी कर सकते हैं। ये देखो इसको आप डिवीजन को यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं, या आप देख रहे होंगे कि जो आपका ब्लैक वाला एरिया है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, बाकी व्हाइट वाला एरिया आपका ये वाला जो दिख रहा है ग्रे में ये ट्रांसपेरेंट है, इसको मैं ड्रैग करके इधर भी लेके जा सकता हूं ऐसे, रिवर्स करना रिवर्स कर लो। और इनके स्टेप्स जो हैं बड़े स्मूथ नजर आ रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट के दरमियान में बड़ा स्मूथ नजर आ रहा है। अगर आप ये देखो ये स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स को आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, मुझे सिर्फ दो स्टेप चाहिए, ये लो ये चेक कर लो, हाफ आपका ट्रांसपेरेंट है और हाफ आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है ना, ये मैं साइड पे करके दिखा देता हूँ, ये रेक्टेंगल बिग साइज का है, हाफ में आपको ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू, हाफ में एक में ट्रांसपेरेंट है एक में ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी टूल में यहाँ पे क्लिक कर दो, एडिट में चले जाओ और एडिट में जाके यहाँ पे जाके आप अपनी तसल्ली से जो करंट सेटिंग आपको रिक्वायर्ड है, ये देखो ये रेडियल आ गया। मैंने टू स्टेप कर दिए ना, पहले वो स्मूथ था ब्लेंड हुआ हुआ था, 256 शेड्स आ रहे थे, अब सिर्फ दो हो गए, तीन करने तीन कर दो, ये देखो बिटवीन व्हाइट एंड ये 4 5 6 7 8 9 10, ये जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो ये लीनियर में ये शेड दिखा देगा, ये देख रहे हो
ये ट्रांसपेरेंट है, ये कम हो गया, ये कम हो गया, ये कम हो गया, ये लीनियर है ना, ये लीनियर, या आप इसको रिपीट कर सकते हो अरेंजमेंट में, या आप अपनी मर्जी से इसको कंट्रोल कर सकते हो। रेडियल ले लो, ये रेडियल हो गया, ये आपके पास आ गया कॉनिकल, ये आपके पास आ गया। बाद बहुत अच्छी अच्छी बैकग्राउंड्स बनानी पड़ जाती हैं पेज के ऊपर। ये रेक्टिलिनियर हो गया, ये देख रहे हो, ये रेक्टिलिनियर सेंटर वाला विजिबल इतना नहीं है जितना बाहर वाला पार्ट आ रहा है, इसको रिवर्स भी कर सकते हो, ये रिवर्स हो गया। अब आपका बाहर वाला पार्ट है ट्रांसपेरेंट नहीं लिया, सेंटर वाला हो गया, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपने इसमें से कौन सी वैल्यू के साथ जाना चाह रहे हो, लीनियर करना है, रेडियल करना है, कॉनिकल करना है। ये आपके पास आ गया जी रेक्टिलिनियर, और इसको रिवर्स करना है, रिवर्स कर दो यहां से, स्टेप्स को कम ज्यादा यहां से कर सकते हो, कम करना है। ये देखो बाद बाद आपको इस तरह का शो करना पड़ जाता है स्क्रीन के ऊपर इसकी प्रेजेंस, तो ये यहां से आप इजीली कर सकते हो। और ये देख रहे हो, ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से आपने सी सेटिंग यहां से कंट्रोल कर रहे हो, यहां से आप इसको रिवर्स करोगे इस तरह हो जाएगा, स्टेप बढ़ा दो। एक्सलरेट भी कर सकते हो, यहां से पुश कर सकते हो कलर्स को, ट्रांसपेरेंसी को। ये देखो ये इस तरह के शेड आपको दिखाई दे रहे 100% पे, और ये बिल्कुल ही आपके स्टेप को उसने किल कर रहा है, ठीक है। एक्सलरेट ये बाय डिफॉल्ट 0 पे होती है वैल्यू, ठीक है, इसको आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। स्मूथ ट्रांजिशन करनी है, ये देखो स्मूथ हो गई। फिर इसकी आप यहां पे टिल्ट भी कर सकते हो, चेक करो टिल्ट हो रहा है, स्टेप कम करके देख लो कि टिल्ट हो रहा है। रोटेट भी कर सकते हो, टिल्ट नहीं करना, 0 कर दो, रोटेट करके दिखा दो, ये रोटेट भी कर सकते हो, ये देखो। तो ट्रांसपेरेंसी जो लगी हुई है उसमें बाद आप अपनी ग्राउंड्स को, बैकग्राउंड्स को बड़ा स्मार्टली आप यहां से मैनेज कर सकते हो। और अगर इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, अरेंजमेंट है, ट्रांसपेरेंसी टारगेट है, रिवर्स है, फ्लो है, एक्सलरेशन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन है, विड्थ हाइट और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की पोजिशन के साथ, ये टिल्टिंग है, ये आपके पास आ गया जी इसकी रोटेशनल आपने वैल्यू क्या देनी है। और मजे की बात इसमें ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप यहाँ पे स्टेप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये बैकग्राउंड में आपके इमेज की प्रेजेंस ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको यहाँ पे दिख रही है। और अगर आप यहाँ पे चाहो तो डबल क्लिक करके एक और मजीद क्रिएट कर सकते हो ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस में ट्रांसपेरेंसी का एक फर्दर स्टेप। इस स्टेप में अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स तो ट्रांसपेरेंसी 25% है, ये देखो ये वाली। अगर आप इस पॉइंट पे ट्रांसपेरेंट नहीं करना चाह रहे, ये देखो ये 0 हो गया और ये 100 हो गया। इस पोजीशन को आप आगे पीछे भी कर सकते हो लाइक दिस, जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया हुआ ये पोजीशन इसकी हो रही है, ये देख रहे हो पोजीशन। आप यहां से पकड़ के भी कर सकते हो सेंटर पॉइंट से, ऐसे जैसे बैकग्राउंड को आप दिखाना चाहो करंट शेप के साथ ट्रांसपेरेंसी। और ये आपके पास आ गया जी लीनियर कलर ब्लेंड, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये कलर की ब्लेंडिंग के हवाले से बात हो रही है। ब्लेंड इसमें चूंकि हुआ नहीं, हुआ सिंगल कलर ही है, फाउंटेन में आपको नजर आएगा बाकायदा। तो ये इसका ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि यहां से आप किल करना चाह रहे हो, नहीं रखना, नो ट्रांसपेरेंसी, ये यूनिफॉर्म एक जैसी है ना थ्रू आउट। ये फाउंटेन, ये नेक्स्ट है जी वेक्टर पैटर्न, वेक्टर पैटर्न में ये पैटर्न नजर आएंगे, ये देख रहे हो पैटर्न, ये यहां से ले सकते हो, ये पैटर्न ले लो, लाइनों वाला पैटर्न आ गया, रेड था ना बॉक्स तो उसके ऊपर पैटर्न लग गया,
ये जो आपको रेड लाइन नजर आ रही है ये कलर है, और जो ट्रांसपेरेंट है वो ये दरमियान में है, ठीक है। इसको आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को यहां से भी आप रिवर्स कर सकते हो लाइक दिस। कोई और चाहिए, कोई और ले लो, ये देखो और भी हैं डिफरेंट डिफरेंट, आप यहाँ पे लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और ये जितने मैंने स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूँ ना, ये ऑप्शंस ट्रांसपेरेंसी की, जो कि मैंने आपको, ये लीनियर है, ये रेडियल है, ये कॉनिकल है, और ये रेक्टेंगुलर है, और जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं ये रोटेट के लिए, अगर आप इसको इस तरह रोटेट करना चाहो, ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स को डायगनल करना चाहो, ये यहां से भी पकड़ के कर सकते हैं ऐसे, इसको यहां से आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक, जितना आपने इसको रोटेट करना हो, यहाँ से इसको हैंडल के थ्रू भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये देख रहे हो, जहाँ तक इसके स्टेप्स की बात है, स्टेप आप इसके कंट्रोल करोगे यहाँ पे एडिट में जाके, ये स्टेप्स आपके दो हैं, तीन करने हैं तीन कर लो, चार करने चार कर लो, पांच छः सात आठ, ये देख रहे हो एंगल वाइज ये ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स लगे हुए हैं, और ये सारे काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। जीरो टिल्ट भी खत्म, वो भी खत्म, ये लीनियर है, ये रेडियल है, ये कॉनिकल है, और ये सारी की सारी टाइप्स आपके पास अवेलेबल हैं। और इसमें ये जो ऑप्शन वेक्टर की थी, ग्राफिक्स चाहिए तो ये ले लो, ये मैंने अभी आपको बताया, ये लिस्ट है, इस लिस्ट में से जो आपको चाहिए ये कर लेते हैं, चेक कीजिएगा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है इसके बिलो, ठीक है, इसको आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे, साइज ये पैटर्न के छोटे करने हैं छोटे कर लो, ये छोटे छोटे पैटर्न नजर आएगा ये वाला, बड़ा करना है बड़ा कर लो, साइज यहां से भी कर सकते हैं। ये जो आपको एक फ्रेम में छोटा सा एक पैटर्न नजर आ रहा था, उसको साइज यहां से छोटा बड़ा आप कर सकते हो, और ये साइज आप यहां से भी जाके कर सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा ये विड्थ और हाइट है, ये साइज आप यहां से भी कर सकते हो, बड़ा करना है बड़ा कर लो, ये देखो ये जो आपको नजर आ रही है पैटर्न, इसका साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है। इसकी मूवमेंट करनी हो रो वाइज यहां से कर लेना आगे पीछे, ये देखो वर्टिकल करनी यहां से कर लेना ऊपर नीचे, ये देखो डिजाइन चेंज हो रहा है पैटर्न का, ये अच्छा नहीं लग रहा, कोई और लेना है ये ले लो। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स इसमें एक चीज आपने देखी होगी कि ये आपको असल में अलाउ करता है ट्रांसपेरेंसी के डिफरेंट पैटर्न लगाने हैं, पैटर्न लगा लो, अगर आप पैटर्न नहीं अच्छे लग रहे आप बिट मैप पैटर्न भी लगा सकते हो, इमेजेस ये देखो ये इमेजेस आ गए, ये इमेजेस पड़े हैं इसमें, ये ले लो ये ले लो, ये टाइल वाला इमेज आ गया, ठीक है ये इमेज है, ये इमेजेस पड़े में, ये आप अपना भी बना के यहाँ पे रख सकते हो, ये क्लाउड वाला आ गया, ठीक है। और ये सारे के सारे आपके पास अवेलेबल हैं, अगर आपको इस ट्रांसपेरेंसी में इसकी फर्दर अगली वैल्यू को चेक करना हो, ये इसका नाम है टू कलर पैटर्न, इसमें दो आपको टू कलर पैटर्न में इस तरह के नजर आएंगे, एक फोरग्राउंड होगा एक बैकग्राउंड होगा, जो आपको अच्छा लगता है वो आप इनमें से ट्रांसपेरेंसी के लिए ऑन कर सकते हो। ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है इसको आप साइज वाइज करना है यहां से कर लीजिएगा, बड़ा कर देगा साइज, इसकी मूवमेंट एक्स एक्सिस पे करनी है वाई एक्सिस पे करनी है, बाल बार पैटर्न की रेपिटेशन सही समझ नहीं आ रही होती है, ठीक है, या कोई बराबर बराबर बैलेंस नजर नहीं आ रहा, तो इसका विड्थ और हाइट आप यहां से कंट्रोल करके इसको सेट भी कर सकते हैं ऑन योर बैकग्राउंड बिलो इमेज के ऊपर, बाद आपको रिक्वायर्ड होते हैं
एडजस्टमेंट थोड़ी करनी पड़ती है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये इस तरह स्क्यू भी कर सकते हो, ये इस तरह रोटेट भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। और ये आप यहाँ पे एक टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी है भी, उसको भी ऑन कर सकते हो। ये टेक्सचर लग जाएगा, ये क्लाउड का जैसा लग गया टेक्सचर। बाद अगर आपको बैकग्राउंड में इमेजेस चाहिए होते हैं लेकिन उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी आपको दिखानी होती है, डिफरेंट फिल्टर ये है आपके पास, समझ लो आप इनमें से जो अच्छा सा लगता है वो आप इस पे अटेम्प्ट कर सकते हो, जो भी आपको रिक्वायर्ड है। अब मजे की बात है, ये जो इसकी करंट जो लोडेड आपका ट्रांसपेरेंसी है, ये साइट के ऊपर ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ से अगर आप चाहो इसके कलर वलर भी चेंज कर सकते हो। रेड शेड को आप गायब करना चाह रहे हो लिस्ट में से, ये लो, ग्रीन लेना है रेड के बजाय, ब्लू लेना है, येलो लेना है, वो आपको यहाँ पे सैंपल में भी दिख रहा है। और ये फिर आपको यहाँ पे भी इसकी प्रेजेंस नजर आ रही है, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ से कंट्रोल करके अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप समझते हो कि ये पैटर्न जो है इसकी रेपिटेशन बहुत ज्यादा है, तो आप इसका साइज वाइज भी कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से, ये साइज को बड़ा करने के लिए, ब्राइटनेस बढ़ानी है कम करनी है, यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरह बताने का मकसद है कि आपको मैंने ट्रांसपेरेंसी के टूल जो आपको बताना चाहो, वो ये आपको करता है कि कभी आपको स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट इमेजेस को प्लेस करना होता है, और करने के बाद उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी के साथ उसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करना होता है ग्राउंड के ऊपर। तो इसमें उसको सेलेक्ट करने के बाद आप ट्रांसपेरेंट टूल के ऊपर आ जाओ और ये ऑप्शंस के साथ सबको अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। फ्रॉम शेप से इमेज की तरफ मैं ले गया, टेक्स्ट के ऊपर आपको ले आया, तो ईच एंड एवरी थिंग पॉसिबल है ऑन योर इमेजेस, टेक्स्ट वगैरह। जैसे मैंने इसके ऊपर भी आपको करके दिखाया कि कभी अगर आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी इनमें से कोई अप्लाई करना चाहो आप कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी में जाके ये देख लो, ये टेक्स्चर है, ये टू कलर पैटर्न आ गया इसमें, ये बिटमैप पैटर्न आ गया, ये वेक्टर ग्राफिक्स आ गया, ये फाउंटेन आ गया, ये आपका यूनिफॉर्म आ गया, और ये नन हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से जितना आप कंट्रोल करना चाहो, इसको कम ज़्यादा करना चाहो, यहाँ से कर लेना, ये देखो। अगर आपने इसको अपसाइड डाउन करना है, इसको आप रोटेट करके ऊपर की तरफ भी लेके जा सकते, डायरेक्शन चेंज हो सकती है इसकी, ठीक है। आप डायरेक्शन को यहाँ से चेंज कर सकते लाइक दिस, यहाँ से जितना विजिबल करना है कम करना है कम कर दो, ये देखो जैसे दिखाना है आपने टेक्स्ट को दिखा सकते, बाद बार आपको जरूरत पड़ जाती है और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो कम ज़्यादा, ये देखो प्योर हो गया और ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ये सारी चीज़ें हैंडल्स के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट टूल, नेम इज ट्रांसपेरेंसी टूल। कभी अगर आपको जरूरत हो आप पेज के ऊपर इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं आपको नेक्स्ट टूल की तरफ लेके जा रहा हूँ। वेरी इजी टूल था ये, जरूरत पड़ सकती है आपको अच्छी सी कोई पेज के ऊपर ग्राफिक्स करनी हो, तो फोरग्राउंड के ऊपर आमतौर पे ट्रांसपेरेंसी करके बैकग्राउंड को विजिबल करते हैं, या बैकग्राउंड को लाइट करके ऊपर प्रोमिनेंट कर देते हैं अपने इमेजेस को, टेक्स्ट को, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी ये आपको अलाउ करते हैं।